मुझे लग रहा था कि मैंने हमारी दोस्ती खराब कर दी। तुम्हें और क्या करती? यू ऑलरेडी नो कि मेरी जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। देखो जिया, उनका जो भी फैसला था वो उनके अपने लिए था। मेरा नहीं ख्याल कि उनके फैसले से तुम्हारी जिंदगी में कोई असर पड़ना चाहिए। शुगर, वन टीस्पून। और तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, कोई तुम्हें बॉदर नहीं करेगा। वो सब तो ठीक है राहिल, आज मैं जो हूँ मैं अपने बाबा की वजह से हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे भी एथीस्ट रखा और वो खुद भी एथीस्ट रहे, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो मुसलमान ही हो गए? जाहिर है इतना बड़ा फैसला था, कोई ना कोई वजह तो होगी। सवाल ये है ना कि जहाँ मजहब के नाम पे मर्डर्स हो रहे, लोगों के दिलों में इतनी नफरतें हैं, वहां मेरे बाबा के पास ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्होंने ये चूज किया कि वो मुसलमान होना चाहते हैं? शायद उन्होंने उस वजह को समझ लिया हो। हेलो, हाय। सॉरी आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, बाकी सब कहाँ पर है? अच्छा, बाकी सब। खाला ने तो मुझे कहा था सिर्फ हम दोनों होंगे। ये कहा था? और ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? सॉरी यार, नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ। खाना ऑर्डर किया? हाँ, हम दोनों के लिए कर दिया ऑर्डर। दोनों के लिए? हाँ, आई नो व्हाट यू लाइक। You know what I like. That's very presumptuous of you. तुम्हें पता है ना मॉम ने क्यों हम दोनों को डिनर करने लिए कहा था? She wants me to consider you. सब बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं है, बस I just don't want to get married. And it's nothing about you. Can I ask why? Honestly speaking, I just want to focus on my business right now. I think it's too early. Let's say you were to get married, तुम किस तरह की लड़की से शादी करोगे? किस तरह की लड़की? First of all, I would want to know her really well. Think. Okay. Let's get to know each other. Natasha, I know you really well. मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है खाने में, कौन सा कलर, कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है। I know everything about you. ये तो सिर्फ सरफेस लेवल चीजें हैं। क्या तुम मुझे डेप्थ में जानते हो? Do you know what my wants and needs are? क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं कौन सी चीज चाहती हूँ? नहीं, तुम्हें नहीं पता, राइट? तो तुम्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में क्या चाहिए? You can't put me on the spot like that. तब मैं यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? Getting to know me is an eventual process. ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम बस एक दिन आओ और कहो कि बस मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो और मैं तुम्हें इतनी डीप कॉन्वर्सेशन एक ही सिटिंग में समझा दूँ सारी। You can't get to know me like that. I mean, you know, you need to really give me time, actual time. ये नहीं कि तुम आओ और बस तुम्हें जाने की जल्दी होती है हर वक्त। अगर तुम आओ, ठहरो, actually listen to what I have to say and concentrate, maybe then you'll get to know me. इस तरह नहीं हो सकता। Okay. Switched off. I am here with you. बताओ। अच्छा, ठीक है। I don't know where to start, but we'll get there. Don't worry. If you promise to meet me and keep meeting me. Okay. I promise. मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। मुझे जब जब लगा कि मेरे पास टाइम है, हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। Anything else? Okay. Then maybe this conversation is going somewhere. Oh, food is here.
Wow, Natasha. You really know me very well. I wasn't expecting this. ये तो सिर्फ खाना है ना. अभी जब तुम मुझसे मिलते रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में और क्या क्या जानती हूँ. ये तुम डरा रही हो बता रही हो मुझे. यही कहीं तो पास है ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था. तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता. तू है नहीं रूबरू, फिर भी तू चार सू, मेरा कुछ भी नहीं के मुझ में भी बसा तू. क्यों तुझ पे ही यार रुके मेरी जिया, तुम्हें एक बात बतानी थी. मैंने अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट फैसला कर लिया है. ऐसा क्या फैसला कर लिया आपने? कहीं कोई लड़की तो नहीं पसंद कर लिया आपने? ऐसा कोई बात नहीं है, वक्त आने पे आपको बताऊंगा. तुम्हें अपने फैसले पे राजी भी करूंगा. बेटा जिया, सॉरी बेटा, प्लीज टॉक टू मी. अंकल, आई वांट टू मीट यू नाउ. जी मिसेस चौधरी, आजकल बच्चों को शादी का नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता. ए, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मेरे लिए मारिया बिल्कुल नताशा जैसी, एक से बढ़कर एक रिश्ता है मेरे पास उसके लिए. हाँ ना, आप बिल्कुल परेशान मत हो. अरे मैं तो बहुत मनाने की कोशिश करती हूँ नताशा को. अरे इतने रिश्ते आते हैं लेकिन नहीं, उसको जी आर्टिस्ट बनने का शौक है. अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, डिटेल्स? कम ऑन. अरे मैं आपको लड़कों की डिटेल्स भेजूंगी. हाँ आप टेंशन मत लें, चलें फिर तफसीली बात होती है. ओके, खुदा हाफिज़. नताशा, मुझे पता चला है कि अमार ने फिर तुमसे शादी के लिए मना कर दिया. मना कर सकता है वो मुझे? मुझे मना नहीं कर सकता वो, बस ये कह रहे कि फिलहाल उसे थोड़े टाइम की जरूरत है. फिलहाल? तो कब इरादा है उस शहजादे का शादी करने का? मुझे क्या पता मामा, अब ऐसी चीजें इस तरह तो नहीं होती ना, मोमेंट की बात होती है. एक मोमेंट? तो अब तुम सारी जिंदगी अकेले बैठ के उसके मोमेंट का इंतजार करोगी? तो क्या करूं, गिड़गड़ाऊं उसके पांव में बैठ के कि मुझसे शादी कर लो, भीख मांगू उससे?
एक बात याद रखिएगा, नताशा कभी किसी से भीख नहीं मांगती। तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं खुद जाके बात करूं। कर लें आप खुद ही, आपको जो करना है वो तभी करेगा जब वो रेडी होगा। फ्रैंक बहुत क्यूरियस था, उसके जहन में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब मेरे पास भी नहीं थे, बल्कि किसी के पास नहीं थे। वो अक्सर दुखी रहा करता था कि किससे पूछे आखिर। जो बुक तुम्हारे पास है उसमें फैंग ने उस शख्स का जिक्र किया है जिसके पास उसके सारे सवालों के जवाब थे। उसने फैंग से कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद तुम्हारे अंदर हैं, जो वक्त आने पर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। फैंग ने यह भी कहा कि अगर वो शख्स उसकी जिंदगी में ना आता तो वो शायद इस्लाम कबूल ना करता। तो आप उन्हें जानते थे क्या? हाँ, एक दो बार मुलाकात हुई फैंग के थ्रू। बाबा ने लिखा हुआ था कि वो मुझे बताना चाहते हैं, पर वो कंफ्यूज थे मेरे रिएक्शन से। काश ये सब लिखने के बजाय वो मुझे बता देते मेरे मुंह पे। जानती हो जिया, फैंग बहुत मुश्किल में था, स्पेशली इस्लाम कबूल करने के बाद। वो हर वक्त इसी जस्तजू में लगा रहा। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उसने ये ना सोचा हो कि वो तुमसे बात करे, तुम्हें समझाए, तुम्हें बताए। लेकिन जिंदगी ने उसे मौका ही नहीं दिया। फैंग एक बहुत इज्जतदार आदमी था, खुददार आदमी था। अल्लाह ताला उसे अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। So he was buried, right? क्या उनको दफनाया गया है? साहिबा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं खुद बात करूंगी, तुम्हें अमार की नेचर का नहीं पता। सीमी, तुमसे बात नहीं हो सकेगी। अमार के साफ इनकार पे कल से नताशा का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ मैंने और तुमने ही ख्वाब दिखाए थे ना। खैर, अब तुम मेरी बात सुनो। जहांगीर भाई से कहो कि वो अमार से बात करे, वो उनकी बात नहीं टालेगा। अभी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सैमा? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आप अपनी तबीयत सुनाए। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? जहांगीर भाई, ये मौका महल तो नहीं है बात करने का, लेकिन आफ्टर ऑल मैं भी एक माँ हूँ और औलाद की आंख में आंसू माँ के लिए कयामत से कम नहीं होते। खुल के बताओ, कहना क्या चाह रही हो? देखिए जहांगीर भाई, हम दोनों बहनों के बीच में बचपन से तय था कि अम्मार और नताशा की शादी तय पाएगी जब वो बड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी उसी इंतजार में पूरी दुनिया से मुंह मोड़े बैठी है, और अम्मार जब से बाहर से होकर आया उसे कोई ना कोई ऐब नजर आ रहा है नताशा में। मैं आपकी तबीयत की वजह से आज तक बोल नहीं पाई, लेकिन अब
मामलात मेरे हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। आप उसे खुद समझा लें, मेरी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता है रोजाना, लेकिन वो किसी रिश्ते को मानती नहीं है, वो उसी के इंतजार में बैठी है। अब आप खुद बताएं, ये उसके लिए अनफेयर नहीं है? तुम ठीक कह रही हो सायमा, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मां से बात करनी होगी, फिर ही मैं कोई जवाब दे पाऊंगा। तो ठीक है, आप अमार से बात करें, और अगर उसने इनकार किया तो ये बात आप नताशा को खुद बताएंगे। जल्दी आओ, खुदा हाफिज। अब ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूं। बाबा दवाई ले लो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बेटा, जीती रहो। तुम लोग परेशान क्यों होते हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाऊंगा। बाबा हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, बस आप रिलैक्स करें। मैं आपके लिए फ्रेश जूस निकलवा कर लाती हूँ। क्या जीती रहो बेटा, खुश रहो। खुदा सायमा को हदायत दे, बैठे बैठे परेशान कर गई है। देखो सीमी, गलती तुम्हारी है, तुमने उनके दिमाग में डाला, स्पेशली अपनी बहन और नताशा के, कि तुम उसे अपनी बहू बनाओगी। सही कह रहे हैं आप, मैं आज ही क्लियर करती हूँ सब। शायद अगर शुरू से जिया को उसमें इन्वॉल्व कर लेता तो इतना इशू ना होता, बट अब जिया के लिए सब एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। डरता हूँ जिया के रिएक्शन से, लेकिन एक ना एक दिन तो ये बात जिया के सामने आएगी। आई होप जिया मुझसे नफरत ना करे। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। बाबा ने अपने मेंटोर के बारे में भी इतना कुछ लिख रखा है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अगर उनकी वजह से तुम्हारे बाबा मुसलमान हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतर कोई इंसान तुम्हें गाइड कर सकता है। मैं भी उन्हें जानता हूँ, मेरे सारे सवालों के जवाब भी उन्हीं से मिले हैं मुझे। I'm not sure. ज्यादा सोचो मत, एक बार मिलना ही है मिल लो, मिलने में क्या हर्ज है? जब से अंकल फैंक की डेथ हुई है तुम मुसलसल एक स्ट्रगल में हो, और अब जब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं, सारे राज खुलने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर रही हो? किससे घबरा रही हो? किससे डर रही हो? तो भाई मसला क्या है? मैं शादी नहीं करना चाहता। लड़की में कोई मसला है? नहीं। तो लड़की तुझे पसंद करती है क्या? हाँ, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई कसम से अगर मेरा केस होता ना तो मैं भाग के शादी कर लेता। इसीलिए तो तेरा ऐसा केस नहीं है। तो वहीं किसी गोरी छोरी से कर लेता। बस कर दे, क्या ऑब्सेशन है तुझे गोरी लड़कियों का? पहाड़ में जा मेरी तरफ से, कालियों के साथ कर। बकवास ना कर। तू क्या करता रहा वहाँ पे, कोई है अभी भी? जो भी करता रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी कोई नहीं है। फीलिंग सैड फॉर यू मैन। अच्छा खैर सुन, अगर तेरी नताशा के साथ बात डन हो जाती है ना, तकरीबन 3 महीने बाद की डेट रखी। क्यों? भाई के लिए लिमोजिन मंगाऊंगा, पूरे टेंशन के साथ बरात जाएगी। वेरी फनी। अच्छा ये बता, तेरा नताशा के अलावा किसी और लड़की के साथ कोई सीन तो नहीं है? नहीं। तो फिर अपने अम्मा अब्बा की बात रख ले, उन्हें बोलो कि मैं नताशा से मिलता हूँ, फिर देखता हूँ, और कंसिडर कर ले क्या जाता है, बाद में जो भी होगा देखी जाएगी। हो गया तो लिमोजिन पक्की, ना हुई तो भेज दूंगा। क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी डील्स कैंसिल होती है ये कह के गाड़ी एक्सीडेंटल थी। रह गया ना तो डीलर फिर। अच्छा इतनी देर से आया हुआ, प्लीज भाई कुछ खिला दे यार। अच्छा सर सॉरी, खिलाता हूँ मैं।
शादी हो गई तो फिर तो बाबी के हाथ का ही खाऊंगा। आप बैठे, मैं साहब को बुला रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम राहिल। वालेकुम सलाम सुहान साहब, कैसे? ठीक है, बैठे प्लीज। थैंक यू। मान साहब, ये जिया हैं, जिया फेंग, फेंग साहब की बेटी। अच्छा 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 अच्छा, मुस्तफा फेंग साहब की साहबजादी हैं आप। तो क्या आप मेरे बाबा को जानते थे? जी जी, बहुत अफसोस हुआ उनके इंतकाल का सुन के, बहुत अच्छे इंसान थे। आपका बहुत जिक्र किया करते थे, इनफैक्ट वो आपको यहाँ लाना भी चाहते थे। मेरे कुछ सवाल थे। जी पूछिए। कोई एथिस्ट इस्लाम कैसे कबूल कर सकता है? ये आप अपने बाबा के लिए पूछ रही हैं या अपने लिए? नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन। आसान सी बात है, हर एथियस्ट इस्लाम की पहली सीढ़ी तो चढ़ चुका होता है। वो कैसे? ला इला, यानी कोई खुदा नहीं। अक्सर मुसलमान जो मुसलमान ही पैदा होते हैं, इस सीढ़ी पे ज्यादा गौर नहीं करते। तो फिर क्या ये सच है कि कोई खुदा नहीं? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मगर सवाल यह है कि कितने झूठे खुदा हैं जो हमने अपने दिल में रखे हैं, चाहे वो पैसा हो, इकोनॉमी हो, नौकरी हो, हमारी ईगो हो, कल्चरल नॉर्म्स हो, इन सब को देखकर ही ला इलाह किया जाता है। तो फिर ये तो हर बंदे का इंटरनल मैटर हुआ। एब्सोल्युटली, ये सफर बाहर का नहीं, अंदर से शुरू किया जाता है। मगर एक ही सवाल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो पूछते पूछते लोग खुदा तक पहुंच जाते हैं। क्या सवाल? कि मैं कौन हूं? कि आप कौन हैं? नहीं, खुद से ही ये सवाल करें कि मैं कौन हूं। मैं तो जिया हूं। ये तो आपका नाम है, कुछ चीजें हैं जो आप पजेस करती हैं, जैसे नाम है, जिस्म है, कल्ब है, लेकिन आप कौन है? पता नहीं। तो पता करें, सवाल करें। मेरे बाबा को मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों ने क्यों कत्ल कर दिया? आपको लगता है कि सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं? आपके फादर बहुत इंटेलिजेंट थे और मैंने ये सुना है कि आप भी इंटेलिजेंट हैं। देखें, ये तो पॉलिटिक्स है, इसे इस्लाम से क्या जोड़ना? रिलीजन का नाम यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में सिंपल माइंड्स को बेवकूफ बनाने के लिए। हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। मेरा ख्याल है कि ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। आई गेस। गुड। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग कत्ल होते हैं उनको मुसलमान कत्ल करते हैं? लोग तो कहते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल आपका है कि आप इसे कबूल करती हैं, इस पर यकीन करती हैं या नहीं, इससे फर्क पड़ता है, सोचिएगा। By the way, I believe in science, facts and evidences. अगर कोई खुदा है तो मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे बाबा के साथ ये सब होने देता? जी आप सवाल ठीक कर रही हैं, लेकिन आप ये सवाल अल्लाह से क्यों नहीं पूछती? मैं तो नहीं मांगती हूँ ना, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? कर लें एक एक्सपेरिमेंट समझ के, कि कोई बनाने वाला है या नहीं। अगर कोई क्रिएटर है जो सुनता है तो वो सवालों के जवाब दे, एक ओपन माइंड ओपन हार्ट के साथ, एक अननोन हिम्मत करके देखें। हो सकता है तमाम जवाब आपके सामने हो, और मैं नहीं समझता कि अगर अल्लाह से कोई सवाल करे उसे उसका जवाब ना मिले। तो फिर क्या मुझे अचानक आवाज आ जाएगी कोई? क्या मालूम, ये तो आपके और उसके दरमियान है। मैं आपको इस
उम्मीद और खौफ की सिचुएशन में एक एडवाइस करूंगा। जो राइट है, जो सच है, वो एक कैफियत है, उसे पहचानिए, क्योंकि आप उसे अच्छी तरह जानती हैं। और अगर जवाब ना मिला तो? और अगर मिल गया तो? कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बात सिर्फ हमारे सवाल की सिंसेरिटी की है, और मैं नहीं समझता कि आपकी ये सिचुएशन बिला वजह है। हिम्मत करें, यू सी। मैंने बाबा से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल करने हैं, और आपसे रिलेटेड भी। जरूर कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल कुछ सवाल आपके और आपके अल्लाह के दरमियान होने चाहिए, क्योंकि सवाल करने की भी हिम्मत वो उन्हीं को देता है जिनसे वो खुद मुखातिब होना चाह रहा हूं। और आपके इन सवालों से मुझे लगता है कि वो आपसे मुखातिब होना चाहता है, तो वर्क ऑन दैट, देन कम बैक। अगर आप कभी भी कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो आई एम हियर, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच सर, फिर मुलाकात होगी। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। वापस वापस। कैसा लगा तुम्हें इस्मान साहब से मिलके? फर्स्ट आई नीड टू अब्सॉर्ब दिस। मुझे जानना है कि बाबा इनकी पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस क्यों थे। तो इसका मतलब है तुम भी इम्प्रेस ही हो। कांट से एनीथिंग। उसके लिए फर्स्ट आई नीड टू मीट हिम मोर। आओ, गाड़ी आ गई। डैड। हाँ हो बेटा, हो बुलाया आपने मुझे? बैठो बैठो मेरे पास, एक मिनट बन के ठहर। ये क्या है? खोल कर तो देखो। वॉच ये किसने दी आपको? इसने क्या दिया, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड। हाँ लेकिन क्यों दे रहे हैं मुझे? अरे क्या हो गया बेटा, मुझे अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए कोई दिन या कोई तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी, दिल में आया दे दिया। अरे नहीं डैड, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। I loved it, बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद भी थी ये बहुत। चलो I'm glad तुम्हें अच्छी लगी बेटा, अपनी माँ को ना बताना और ना मेरे पीछे पड़ जाएगी, उसने भी तीन चार चीजें मांगी हुई थी मुझसे। आपको भी तंग करती है ना, मेरे पीछे पड़ी रहती है, उनको कुछ समझाए ना, हर वक्त शादी 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 और कोई बात ही नहीं करती। ये जो सारी मामा होती है ना, एक जैसी होती है, उनको लगता है कि उनकी बेटी की शादी होगी ना तो बहुत खुश रहेगा, तो क्या पता बाद में तो हमें भुगतना पड़ता है। आहिस्ता बोले डैड, मॉम ने सुन लिया ना तो आपके लिए मसला होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हो यार, अजाब में पड़ जाएंगे। वैसे तुम्हारी माँ यही समझती है कि तुम्हारी खुशी भी इसी में है कि तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारी साइड में हूँ। तो उन्हें समझाए ना, अगर वाकई मेरी खुशी चाहती है तो इस टॉपिक को छोड़ दें। आप ठीक है, लेकिन बेटा इसमें हर्ज भी क्या है? रताशा तुम्हारी मामा को पसंद है, मुझे भी ठीक लगती है बच्ची, मसला है क्या? नहीं मुझे कोई मसला नहीं है डैड, रताशा अच्छी लड़की है, लेकिन अभी नहीं ना, अभी मुझे करियर पे फोकस करना है अपने, शादी के लिए आई थिंक इट्स टू अर्ली। हाँ तो ठीक है बेटा, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि ओवर नाइट कोई फैसला कर लो, इट्स अप टू यू, तुम्हें मुनासिब लगे तो कर लेना। ये मत समझना कि मैं अपना कोई फैसला तुम पर थोप रहा हूँ। मुझ पर अपना फैसला नहीं थोप रहे आप। डैड सारी बात भी कह दी और मुझे कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू, तुम पे कोई फैसला नहीं थोप रहा अपना। अच्छा अपना गिफ्ट को एंजॉय करो यार, देखी जाएगी। ये बात कहने के लिए बुलाया था ना आपने मुझे, ये गिफ्ट काफी महंगा पड़ा आपको।
हर एथियस्ट इस्लाम की पहली सीढ़ी तो चढ़ चुका होता है, मगर सवाल यह है कि कितने झूठे खुदा हैं जो हमने अपने दिल में रखे हैं, चाहे वो ऐसा हो, इकोनॉमी हो, नौकरी हो, हमारी ईगो हो, कल्चरल नॉर्म्स हो, इन सबको देखकर ही ला इलाह किया जाता है। कुछ चीजें हैं जो आप पजेस करती हैं, जैसे नाम है, जिस्म है, कल्ब है, लेकिन आप कौन है? अगर कोई खुदा है तो मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे बाबा के साथ ये सब होने देता? जी आप सवाल ठीक कर रही हैं, लेकिन आप ये सवाल अल्लाह से क्यों नहीं पूछते? मैं तो नहीं मांगती हूँ ना, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? कर लें, एक एक्सपेरिमेंट समझ के कि कोई बनाने वाला है या नहीं। Morning. Have a seat. Okay. मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? Seems like you are having a moment. नहीं, it's okay. तो बताओ क्या सोच रहे थे? जी आप मेरे अंदर ना एक identity crisis चल रहा है, एक conflict है जिससे मैं लड़ रहा हूँ। एक तरफ मैं वो कह रहा हूं जिससे मैं भाग रहा था, नॉन एलसी स्पीकिंग, आई एम लविंग इट, एक्चुअली लविंग इट। ओके, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं तुमसे ये सब कुछ क्यों शेयर कर। इट्स ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी कुछ सिमिलर ही सिचुएशन है। Seems like I am having an identity crisis as well. फिर कुछ जवाब मिला? अभी तो कुछ नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं शायद जिंदगी के ऐसे मोड़ पे हूँ कि कोई चीज मेरे हाथों के कंट्रोल में नहीं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें जवाब मिले तो मुझसे भी जरूर शेयर कर लेना। जी यस। कोई काम? कुछ खास नहीं, तुम्हें वेंडर की ईमेल भेजी हुई है, उसको बस चेक कर लेना। हेलो। हाय, हाउ आर यू? टायर्ड। मैंने तुमसे कुछ कहना था। कहो। आई वांट टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड एट द रेस्टोरेंट दैट नाइट। मतलब? मतलब आई थिंक यू शुड गेट टू नो मी। बट नताशा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। नॉट लाइक दैट। फिर? मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, गो आउट विद मी, गेट टू नो मी, फिर तुम शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस एंड आई विल रिस्पेक्ट इट। मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है नताशा। आई एम अप फॉर इट। लेट्स सी, बट आई कांट गारंटी एनीथिंग। आई नो। ओके। ओके, बाय। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल कुछ सवाल आपके और आपके अल्लाह के दरमियान होने चाहिए, क्योंकि
सवाल करने की भी हिम्मत वो उन्हीं को देता है जिनसे वो खुद मुखातिब होना चाह रहा। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना था, और वो सवाल जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे थे उन सब के लिए मैंने ये किया। लेकिन आप ये सवाल अल्लाह से क्यों नहीं पूछती? मैं तो नहीं मांगती हूँ ना, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? कर ले, एक एक्सपेरिमेंट समझ के कि कोई बनाने वाला है या नहीं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।